नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 11 और मैं हूं आज अपने घर पे सिगरी विलेज। तो मैं दिखाता हूं आज आपको कि यहां पे बन रही है हमारी गौशाला। मैंने अभी एक वीडियो पहले बनाई थी, सुबह डाली है, उसमें भी दिखाया था मैंने। पर आपने देखा होगा यहां पे कि ये वाली जो झोपड़ी है ना, यहां पे थी, तो अभी इसको हमने यहां पे ट्रांसफ़र कर दिया है और यहां पे होगी कटान। यहां पे ऐसी कटान होगी, वहां तक ये पूरी कटान होगी और यहां पे बनेगी पत्थरों की दीवारों वाली जो है गौशाला, जिसमें कि हमारी गाय बच्चियाँ रहेंगी। अब मैं ले चलता हूँ आपको लुप्त गुफा। उस गुफा की एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, बट उस दिन क्या था कि मैंने सुबह सुबह बनाई थी तो इतना अच्छा उसमें व्यू नहीं आया था। तो अब चलते हैं। आप आसमान देख ही पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा मौसम खुल चुका है, क्योंकि यहाँ पे सुबह से तो बारिश हो रही थी। और मैं ले चलता हूँ आपको लुप्त गुफा पे, जो जिसके बगल में एक मंदिर भी है। मेरा सफर शुरू हो चुका है लुप्त गुफा की ओर। वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो हमारी बहुत सालों से पुरानी गुफा है। जब हम छोटे छोटे थे तो वहाँ पे जाते थे खेलने के लिए, और उस गुफा को देख के बहुत डरते भी थे, क्योंकि उस गुफा के बारे में कई रहस्यमय कहानियाँ हैं कि एक भयानक गुफा है जिसके नाम सुन के ही लोग डरते हैं। मगर आज मुझे उसको कैप्चर करना है, उसके अंदर जाना है, उसके अंदर की बनानी है वीडियो। मैं पिछली बार भी गया था टॉर्च वॉर्च लेके, बट आज तो बहुत ही अच्छा मौसम खुला हुआ है तो मुझे लगता है कि काफ़ी साफ हमें वहाँ पे नज़र आएगा। अरे अंशुल जी कहानी आज भी है। तो आपको यहाँ की बकरियाँ ये वाली घास खाती हैं, देखिए। तो ये घास खा रही हैं यहाँ पे, ये भी चरने आ रखी हैं, और इनका भी हमें थोड़ा सहारा होगा, क्योंकि उसके अगल बगल चले मतलब चुगेंगी तो हमें भी सहारा मिलेगा, क्योंकि दो तीन लोग और भी साथ में होंगे जो गाय चराने आते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैं बता दूँ आपको कि मैं पहुँचा हूँ उस कुंड में, जिस कुंड में नहाकर महात्मा ऋषि मुनि लोग जाते थे लुप्त गुफा। ओ भाई, गाय की लड़ाई। तो भाई ये हो रही है भयंकर लड़ाई, बड़ी खतरनाक लड़ाई हो रही है। ओ भाई, शांति शांति शांति। गाइस आप देख पा रहे होंगे बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही है, और भूरी गाय ने काली गाय को हरा दिया, वो भाग गई उधर को। देखो सब गए एक दूसरे की हेल्प करने। और ये है करण। नमस्ते 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 नमस्ते। तो करण पहुंच चुका है और अब हमारा सफर शुरू हो जाता है लुप्त गुफा की। और आप बने रहे हमारे साथ, बिल्कुल भी आप स्क्रिप्ट ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सचमुच यहाँ पे जब हम लोग छोटे थे, गाय चराने आते थे, तो खूब सारी गायों की लड़ाई होती थी, और जान के हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करवाते थे। तो सचमुच बहुत ही मजा आया था, वो पल आज मुझे भी देखने को मिला। आप देख पा रहे होंगे ये सामने वाली पहाड़ी, मुझे इसी पहाड़ी पे जाना है और इसी के अंदर है लुप्त गुफा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कितनी अच्छी खूबसूरत पहाड़ी है, और ये पूरा पत्थरों वाला पहाड़ है। जब मैं नज़दीक जाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और हम यहाँ की लोकेशन की बात करें तो आपको चारों तरफ ये नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए आप, मैं अभी इन झाड़ियों के अंदर, ये करण भाई हैं और भाई ये हूँ मैं, और हम लोग यहीं से शूट कर रहे हैं वीडियो सामने से। तो सचमुच बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे, और ये सामने है हमारी लुप्त गुफा। तो फ्रेंड्स, सचमुच इन जंगलों के बीच में बैठ के बहुत ही सुकून फील होता है, और ये वो जंगल है जहाँ पर हम बचपन में गाय चराया करते थे, और आपको यहाँ पे दूर दूर तक कहीं भी गाँव नजर नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, हम थे इन झाड़ियों के बीच में, अब हम जा रहे हैं गुफा की ओर। ये है बहुत ही ठंडा पानी, शुद्ध पानी। पहले के संत महात्मा लोग इसी कुंड में नहा के जाते थे, यहीं से पानी पीते थे, यहीं से भरते थे। और आपको दिखाते हैं कितना बड़ा पत्थर है, ये देखिए, बहुत बड़ा पत्थर है भाई, बहुत बड़ा पत्थर। ये देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई देंगे ना, कि आप बोलोगे यार कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। ये देखिए पूरा पत्थर है इधर, और इन झाड़ियों के बीच में ना बहुत मजा आता है जब हम लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार भी ना काफ़ी फर्क पड़ चुका है। पिछली बार यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, पर अब की बार हल्का फुल्का रास्ता वहाँ जाने के लिए। और भाई ये सामने वाला पर्वत है ना, इसी के अंदर है बहुत अच्छी अमेजिंग गुफा है इसके अंदर।
बस चलते ही जाना है। तो ये पहुंचे हम, मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से दिखने में इस तरह से ये पहाड़ नजर आता है। ये देखिए तो फ्रेंड्स, ये है वो गुफा, इसके अंदर से ना ठंडी हवा आ रही है। तो मैं फिलहाल कोशिश करता हूँ गुफा के अंदर जाने की। डर भी लग रहा है बट जाना ही पड़ेगा क्योंकि वीडियो बनानी है। अरे डर नहीं लगता यार, मैं साथ में हूँ ना। अरे तो आप सही भाई, चलो धीरे धीरे जा। अजय मुझे भी डर ही लग रहा है भाई, सचमुच मुझे भी अकेला जाना है, डर ही लग रहा है इस गुफा के अंदर। ठंडी हवा कहाँ से आ रही इसमें यार, ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों ये पत्थर निकलने वाला क्या? देखना ये पत्थर ऐसा लग रहा है कि जैसे गिर के हमारे सिर के ऊपर गिरेगा। भाई इस पत्थर को ना इस पे हाथ मत लगाना, नहीं तो हमारे कहीं ऊपर नहीं गिर जाए। देखें पूरा छूट मतलब बिल्कुल अलग रखा हुआ है, देखें आप ये वाला, ये पूरा अलग रखा हुआ है और ये वाला पत्थर है, ये कहीं इस पहाड़ से छूट गया तो ये तो हम पे बजेगा यार। ऊपर निकलते हैं, इसको मत छूना। आप देख पा रहे हैं ये फंसा हुआ है बीच में। मुझे लगता है कि हम लोगों को ज्यादा आवाज नहीं करनी चाहिए, कहीं ये ना हो कि हमारे ऊपर गिर जाए। बिल्कुल इन दोनों पत्थरों के बीच में ना, इन दोनों पत्थरों के बीच में ये फंसा हुआ है, ये वाला पत्थर आप देख पा रहे हो। आप देख पा रहे होंगे काफी ऊपर है, करीब होगा ये 15 फीट के आसपास ऊपर, और इस पर भी एक हर प्रकार की घास जम रही है, बहुत अच्छी लग रही ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे पूरी लाइट है यार, वाव आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी लाइट। देखिए आप इतने ऊपर आने के बाद हमें ये खिड़की टाइप खिड़की दिखाई देती है, यहाँ पे कितनी अच्छी खिड़की दिखाई दे रही है यार। मुझे लग रहा है मैं पिछली बार आया था यार, ऐसा तो था नहीं यहाँ पे, ऐसा कैसे हो गया? फ्रेंड्स मैं पिछली बार आया था तो शायद ये वाला पत्थर ऊपर था, तो लगता है फिर बीच में बारिश हुई है, हल्का फुल्का भूकंप आया होगा तो इस वजह से शायद नीचे खिसक आया है। तो मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं करूँगा, ये ना हो कि आवाज़ के मारे हमारे ऊपर ही गिर पड़े, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, हम नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। बट मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे बड़ा ही खतरनाक नज़ारा है फ्रेंड्स। वाओ सो अमेजिंग, वाओ वेरी नाइस व्यू। फिर अंदर आने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है बहुत बड़ा ये पत्थर, जो कि इस गुफा के ना दोनों द्वार पे लगा हुआ है, बंद है ये। देखिए आप इधर भी पत्थर, ये दोनों चट्टाने हैं, इनके बीच में एक यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, और भाई ये रास्ता भी नहीं यहाँ से बंद है, आप देख पा रहे हो
ये लाइट कैसे आ रही है आप देखें, ये बीच में रास्ता बंद हो गया। थोड़ा सा कैमरा अंदर ले जाता हूँ, देखते हैं इसके अंदर है क्या। शायद समझ नहीं आ रहा है, शायद ये ऋषि मुनियों की बैठने की जगह रही होगी। ज़्यादा आवाज़ करना यहाँ पे अच्छा नहीं है क्योंकि डर भी लग रहा, घबराहट होगी भाई। सचमुच अंदर जाके बहुत ही खूबसूरत नजारा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। इस गुफा के बारे में कुछ आज भी अनसुलझी बातें हमारे पास सुनने को मिलती हैं हमें। माना जाता है कि लुप्त गुफा के अंदर कई साल पहले एक संत महात्मा यहाँ पूजा करने गए थे और वो फिर वापस नहीं आए, तभी से इस गुफा का नाम पड़ा है लुप्त गुफा। और ये है सिगरी विलेज में, और इसके ठीक सामने है अचलेश्वर महादेव जी, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। और आप बने रहे मेरे साथ और मैं ले चलता हूँ आपको सामने वाली पहाड़ी पे, जहाँ पे कि महादेव जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर हमें देखने को मिलता है। और नदी से फिर हमारा सफर शुरू हो जाता है मंदिर के लिए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही मान्यताएं हैं मंदिर की प्रति लोगों की। माना जाता है कि मंदिर में जो एक बार अपनी मन्नत मांग ले उसकी वो पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको, ये वाला रास्ता जा रहा है मंदिर के लिए। यहाँ पर जो रास्ते होते हैं कुछ अलग होते हैं शहर की अपेक्षा, आप देख पा रहे होंगे ये रास्ते, बट बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस होते हैं। यहाँ शांति होती है, पीसफुल जिसको बोलते हैं, फुल एंजॉय। तो मैं जब भी यहाँ पे अपने गांव सिगरी विलेज में आता हूँ फुल एंजॉय करता हूँ। और किसी टाइम पे ना यहाँ पे बहुत अच्छा बगीचा होता था अमरूद का, अमरूद आम, बट कुछ कुछ पेड़ आज भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हो जाती हैं स्टार्ट, और इसी खूबसूरत पहाड़ी पर बना हुआ है शिव जी का मंदिर। और आपको एक चीज़ और बता दें, ये आम का पेड़ है, जब इस पर आम लगते हैं ना तो हम इसी छत से तोड़ते हैं आम और खूब खट्टे से लेके मीठे तक आम खाते हैं, खूब दबा कर यहाँ पे। तो ये है हमारी गांव की लाइफ, सचमुच बहुत ही यहाँ पे मज़ा आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जूते निकाल के जाना होता है मंदिर, तो हम यहाँ पे जूते निकाल देंगे अभी। और फिर ये सीढ़ियाँ हो जाती हैं स्टार्ट मंदिर के लिए, ये देखिए आप, वाह। और सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं वहाँ लोगों से जो कई साल पहले यहाँ पे रहते थे, जिन्होंने एक लंबा समय अपना यहाँ पे मंदिर को सेवा के रूप में दिया। अब तो यहाँ पे है नहीं, बट उनकी कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। और इनकी जो समाधि है यहीं पे बना दी गई है, और बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा रास्ता मंदिर के लिए शुरू। वाह, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं सामने का व्यू हमें देखने के लिए मजबूर करता है। और यहाँ पे है हवन कुंड, वाह सो अमेजिंग। आप देख पा रहे होंगे खूबसूरत लोकेशन में बना हुआ है हमारा शिव टेंपल, और ये मेरे बगल में है आम का पेड़, और ये है साल का पेड़, और ये भी आम का पेड़, यानी कि ऑलमोस्ट इन पहाड़ों के बीच में बना है हमारा अचलेश्वर महादेव, बहुत ही खूबसूरत। ये है हवन कुंड, और ये हैं फर्स्ट मंदिर की घंटियाँ जिनको बजाने का बहुत ही मन करता है। वाह, और ये है भाई मंदिर, सबसे पहले मंदिर की परिक्रमा करते हैं, आपको दिखाते हैं। एक खेत, ये पहाड़, ये दोनों नदियाँ, एक इधर की नदी है एक उधर की नदी है, दोनों मिलके आगे जाती हैं। उसके बाद एक तीसरी नदी और आती है जो कि मंदिर के जस्ट बगल से आती है, ये वाली, इसका नाम है राणकाटक गदन, और इसका नाम है गण के गदन।
उसका नाम है भगनागदन। यानी कि तीनों नदियों का जो संगम है वो हो जाता है इस साइड में, यहाँ पे हो जाता है, और तीनों नदियाँ यहाँ से बन जाती हैं एक ही नदी। तो फ्रेंड्स ये है शिव टेम्पल जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वाली खेत थे पहले, इन पे खूब सारी धान होती थी, गेहूं होता था। अब इस पे ना खेती नहीं हो रही कहीं, क्योंकि सन 2013-14 में बहुत बड़ी आपदा आई थी जिससे कि पूरी नहरें ख़त्म हो गई थी, कुल ख़त्म हो गए थे। कुछ लोग अब नौकरियां करने शुरू कर दी है तो खेती करना छोड़ दिया लोगों ने। कितने अच्छे खेत आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे, ये देखिए, और कितनी अच्छी लोकेशन है। आप भी कभी आते हैं सिगरी विलेज तो आप भी ज़रूर यहाँ पे दर्शन करें। और अब चलते हैं शिव जी के दर्शन करने महादेव के पास। तो भाई ये है महादेव जी की मूर्ति। जय हो, हरिओम। भाई आज लगेगा चंदन का टीका। और यहाँ पे बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं है। अभी आपने देखा 2 मिनट पहले यहाँ पे बारिश नहीं थी, और 2 मिनट के बाद अचानक बारिश हो उठी है। ये देखिए आप शटर के ऊपर, देखिए अभी शुरू हो गई है बारिश। तो यहाँ का मौसम सचमुच बहुत ही खूबसूरत। अब ले चलता हूँ मैं आपको अपने खेत की ओर, जहाँ पे हम लोगों का काफ़ी सारे धान होता था, गेहूँ होता था, बट अब कोई नहीं कर रहा है क्योंकि अब मैं भी ऋषिकेश में ही हूँ। तो हमारे यहाँ के मैक्सिमम लोग अब नौकरी पे हैं, तो खेती बाड़ी करना लोगों ने छोड़ दिया है। खड़ी हो गई है यहाँ, और ये इतना गंदा घास है ना, इसको गाय तक नहीं खाती है, बहुत बेकार है। सो स्टार्टिंग में तो इसको जहरीली घास बोलते थे, पर धीरे धीरे फिर गाय बछुओं को आदत पड़ गई इसको खाने की, तो फिर ये अब खाते हैं मगर इतना नहीं खाते हैं। बकरियां तो काफ़ी मात्रा में इसको खाती हैं। ये देखिए आप, बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे, ज़मीनों को हर जगह आपको घास ही घास नज़र आएगी। और इसको उखड़ने के लिए ना, इसको हटाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी पे लोगों को लगाना पड़ेगा, तब जाके उठेगा, क्योंकि हल तो इसमें आने से रहा। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए क्या हाल हो रखा है यहाँ, इतनी बड़ी बड़ी पेड़ हैं ये, तो ये इजिली नहीं निकलते, ट्रैक्टर तो है नहीं यहाँ। अपनी खेतों की और बाद में चलते हैं, पहले चलते हैं, छोटी सी रिवर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गणगदन। तो भाई इस नदी में चलते हैं, काफ़ी सारी झाड़ी हो रखी है अब तो यहाँ। तो भाई मैं जा रहा हूँ नीचे, पर यहाँ पे झाड़ी बहुत है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए आप, पानी कितना क्लीन है यहाँ पे, बहुत साफ पानी है। यही चलता होगा इस पत्थर पे, और यहाँ से भी और फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये कितनी क्लीन नदी है, रिवर है, आप देख रहे होंगे बहुत ही क्लीन है सचमुच, एकदम साफ पानी है। और मैं ना अभी कैमरे को आपको इसके अंदर डाल के दिखाता, बट मेरा जो बैटरी का ढक्कन है ना वो खो चुका है GoPro का। मैं कल देहरादून गया था बट वहाँ भी नहीं मिला, तो ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, ओरिजिनल तो मिल नहीं पा रहा कहीं, कोई दूसरी कंपनी बोल रहे थे। बट ये बहुत ही सचमुच यार बहुत ही क्लीन नदी है, देखिए आप एक एक चीज़ आपको नीचे देखने को मिलेगी। देखिए आप गर्मियों में हम यहाँ पर घंटों तक नहाया किया करते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत ही मस्ती मारते थे हम लोग। और मैं थोड़ा सा नदी में ऊपर चल रहा हूँ तो मुझे एक भाई वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, शायद कुछ कर रहे हैं, और जाके देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो ये है वो रिवर जिसमें हम अक्सर करके नहाने आया किया करते थे। पेड़ देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसी पे चढ़ के जाना होगा, अरे बड़ा चिकना हो रखा है तो इधर से जाना पड़ेगा। वाह मज़ा आता है ट्रैकिंग करने में, मज़ा आता है। जब मैं घर पे जाता हूँ तो ट्रैकिंग करता हूँ ना नदियों में, बहुत ही मज़ा आता है सचमुच। और मुझे जाना है उस भाई के पास, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। पर उस वहाँ जाने से पहले मुझे रास्ता ढूंढना होना होगा कि मुझे कौन से रास्ते से जाना होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से तो चलना नामुमकिन है,
भाई कोशिश करते हैं कि शायद मैं यहाँ से चढ़ पाऊँ, देखता हूँ। पिछली बार ना एक बार मैं नदी में जा रहा था, बड़ी तेज से गिरा था वहां से, तो मैं यहाँ से चढ़ पाऊँ तो मेरे लिए बेस्ट होगा, नहीं तो काफी ऊपर जाके मुझे यहाँ चढ़ना होगा। आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे है, ये नीचे वाला यहाँ से चढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं ऊपर नहर पे, मैं था अभी वहां पे, आपने देखा ही होगा। यहां पे हैं भाई जी, न जाने कहां से, पता कर। भाई जी नमस्कार, और क्यों होना है? हाँ पेंटिंग, जानते हैं कि किस चीज की पेंटिंग हो रही है यहां पे और कहां से। और आप देख पा रहे होंगे कहीं आसपास दूर तक भी नजर नहीं आ रही यहाँ के गांव, देख रहे हैं आप, पूरा एकदम जंगल का एरिया, तो समझ में नहीं आ रहा भाई कहाँ से यहाँ पे रह रहा होगा। खैर जो लोग उत्तराखंड के हैं उनको आदत हो जाती है जंगलों में रहने की। ये ऊपर से नदी बह के आ रही है और अगल बगल देखा जाए तो एकदम पूरा जंगल है यार। तो ग्राम पंचायत के काम होते हैं, उनकी जो भी जब काम कंप्लीट हो जाता तो उसके बाद उसकी लिस्ट लगती, तो वही भैया यहाँ पे बना रहे हैं। क्या बन रही है? सूचना पट। तो ये सूचना पट बन रहा है कि कितना इस पे लागत खर्च हुई और कितना क्या क्या है जो भी होगा। कहाँ से भाई जी? कहाँ आप? अभी अभी माला। तो एक बड़ी आप रोड साइड पे कहाँ पे आए आप पहले? मैं आया इधर गली खेत में। गली खेत? ओ तो भाई भाई गली खेत पे आया। गली खेत से भाई को कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आना होता है पैदल, तो वहाँ से कम 5 किलोमीटर है। बिल्कुल ये जंगल का, इसी रास्ते से मैं दिखाऊँ आपको भैया कहाँ से आए, बड़ा मुश्किल होता है यार इधर। दिखाओ मैं भैया इसी रास्ते से आएंगे शायद, जहाँ तक है ये रास्ता ऊपर से नीचे से नीचे को आ रहा है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी है जो कि रोड साइड है, वहाँ पे है गली खेत, वहीं से भैया आए हैं और भाई पहुँचे हैं यहाँ पे बोर्ड बनाने के लिए। तो भाई यही हमारी उत्तराखंड की एक्चुअल लाइफ है, ये देखिए आप जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं व्यू हमारे सामने गुजरते चले जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये वही खेत हैं, ये वही खेत हैं जिन पे कभी हमारी धान होती थी, गेहूं होता था, खूब सारा मात्रे में होता था, बट अब सब कुछ छोड़ चुके हैं लोग। ये देखिए ये पूरे बंजर पड़े हुए हैं। जब हमारी धान पकने पे होती थी तो हम लोग रात को यहीं पे रहते थे, लकड़ियों के हम एक घर टाइप का बनाते थे, बांस की झोपड़ी बनाते थे और उसी में रहते थे। मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं पे हमारा बना होता था जो ये वाली जगह, यहीं भी बनी हुई होती थी हमारी झोपड़ी। तो इस तरफ भी खंभा होता था लकड़ी का, उस तरफ भी खंभा, उस तरफ भी खंभा, 4 खंभे होते थे उसके ऊपर ऐसे, फिर बड़े बड़े बल्लियाँ होती थी उसके ऊपर, हमारी चारपाई होती थी उसके ऊपर, एक झोपड़ी और होती थी। तो सचमुच वो टाइम आज याद करके ना बहुत अच्छा फील होता है, वो समय निकल चुका है, बट अभी तो खाली बस यहाँ पे आप खेत देखने को मिल रहे हैं और ये घोड़े चल रहे हैं यहाँ पे। घर चलते चलते कुछ बातें याद आ रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला खेत, जो ये वाला खेत था सेम ऐसी जो एसके वाला खेत था वो इस साइड में भी था, ये इस साइड में पूरा ये पूरा एक खेत था। बट सन 2013 में इतनी भीषण आपदा आई यहाँ पर, इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े चट्टान यहाँ पर टूट के आए कि ये पूरी जो है ना ये पूरे खेत को बह ले गए, आप देख रहे होंगे यहाँ ये। तो उस टाइम बहुत नुकसान हुआ था हम लोगों का। और आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ मैं, आप ये सामने वाला पेड़ देख रहे होंगे ना, ये वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे हमारी पूरे दिन गुजरता था, पूरा दिन कांच की गोलियां खेलना और काफ़ी सारे खेल होते थे, खो खो होता था, कबड्डी होता था, इसी पेड़ के नीचे हम लोग खेलते थे, सचमुच बहुत ही मज़ा आता था। आप देखिए ये है छछंडू का पेड़, और माना जाता है कि इसकी जो छाल होती है ना, जो इसकी छाल होती है, इसकी छाल जो पेट दर्द होता ना उसमें हम लोग इसको ले जाते थे, इसको इसकी छाल निकाल के इसको फिर कूटते थे, फिर गर्म पानी में उबाल के इसको पीते थे, यही ट्रीटमेंट होता था। जब मैक्सिमम टाइम क्या पेट में दर्द होता था तो इसी की छाल का उपयोग किया जाता था, बट आज के टाइम में कोई नहीं करता, सब मेडिसिन लेते हैं। बस मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे, ये गाय बंदी है, ये मेरे ताऊ लोगों की गाय है, और ये सामने वाला मेरा घर है, ये सफ़ेद वाला मेरा घर है, बगल में हरा वाला मेरा ताऊ का घर है, तो एक मेरा ऊपर वाला घर है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी लोकेशन पर ये वाला हमारा घर है, ये वाला प्याज काफी बड़ी हो गई है, इसी रास्ते से जाना होगा उनको ऊपर।
ये है भाई। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं घर, घर पे। ओह अभी तो तारा लग रहा है, आपको दिख रहा होगा मेरे माता लोग सब ऊपर होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा ठंड होता है, क्योंकि सामने है आम का पेड़। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं इस तरह की गाँव की वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं।